अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की रेसिपी एक ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली की चना चाट, और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो आइए आज की रेसिपी करते हैं शुरू। तो आपको चाहिए 3 मीडियम साइज़ पोटैटोज़। आप इसे छोटे पीस जैसे मैंने किए हैं क्यूब साइज़ कर लें और इसको बॉयल कर लें। और आलू के बाद आप ऐड कर लें चिक पीस। मैंने ये टिन वाले चिक पीस किए हैं यूज़। 250 ग्राम्स एक टिन में है, तो मैंने 3 टिन किए हैं यूज़। और 2 मीडियम साइज़ अनियंस, इसको मैंने फाइन चॉप कर दिया। और फिर ऐड किए हरी मिर्चें और धनिया। तो फिर आप सब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होगी इफ्तारी के टाइम पर। तो ये बहुत ही चटपटे सी करारी सी है इमली की चना चाट। तो जब आप इसको मिक्स कर लें तो फिर ऐड कर लें बैट हाफ बैट 3/4 कप ऑफ इमली का सॉस। आप खुद घर में बना सकते हैं वो इमली का सॉस। ये मैंने बाज़ार से लिया हुआ था, ये बॉटल्स में होती हैं। तो मैंने ¾ ऑफ इमली का सॉस किया यूज़। तो इसको भी अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया था। और फिर नेक्स्ट मैंने फिर ऐड किया था धनिया जस्ट टू गार्निश। एंड देन मैंने इसको क्लिंग फिल्म से कवर कर लिया और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था फॉर अबाउट गुड 2-3 आवर्स। तो ये बहुत टेस्टी होती है जब ये चना चाट थोड़ी कोल्ड हो जाए, थोड़ी चिल्ड हो जाए। तो बस ये आप रमज़ान के दिनों में आप सुबह बना लें, तो शाम के वक्त जब इफ्तारी का टाइम होगा तो आप इसे मज़े से खा लें और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो वो इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। ये बहुत चटपटी सी है इमली की चना चाट, बहुत इजी है और बड़े मज़े की बनती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चना चाट बहुत इजी रेसिपी लगी होगी। ये मैंने ना अपनी एक व्यूज़ की फरमाइश से बनाई थी। वो कह रही थी कि तुम मुझे चना चाट की रेसिपी प्लीज़ बता दो, क्योंकि उसने एक दफ़ा आई थी मेरे घर तो उसने खाई थी। तो आज ये उसकी फरमाइश से खास तौर से बनी जा रही है। तो फिर आफ्टर 1 आवर मैंने डिश ऐड की। तो अब थोड़ी सी चिल्ड हो गई है, तो अब हम सब मज़े से खाएंगे। तो आप भी जल्दी से किचन में जाएं और आप भी ये रेसिपी करें ट्राई। और प्लीज़ कमेंट्स में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत इजी और आसान सी लगी होगी। तो अगर लगी और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो टुडे। If you are new to my channel, do not forget to subscribe and do press the bell icon to get further notifications of my upcoming videos. Thank you for watching and do share with family and friends. Allah Hafiz.